90 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामानंद सागर कृत रामायण सीरियल के भगवान राम का चरित्र निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने कहा कि आज देश में रामराज की परिकल्पना साकार हो रही है। उन्होंने कहा कि चारों तरफ का वातावरण राममय हो गया है, चारों तरफ प्रभु श्री राम की ऊर्जा है और हर व्यक्ति इन पलों को जीना चाह रहा है। जो वर्षों से लोगों ने इंतजार किया था वो आज चारों ओर दिखाई दे रहा है, चारों ओर प्रभु श्री राम के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा अद्भुत कोई बात नहीं हो सकती। इसके साथ ही अयोध्या में 22 जनवरी को हुए राम मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अरुण गोविल ने कहा कि यह ऐसी घटना है जो पहले कभी नहीं हुई। आइए आपको सुनवाते हैं इसी के साथ उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा। ये तो हम सब देख रहे हैं कि रामराज जी की कल्पना किस तरह साकार हो रही, चारों तरफ का जो वातावरण है वो राममय है, इतनी राम की ऊर्जा है चारों तरफ और हर व्यक्ति जो है इन पलों को जीना चाह रहा है। जो बरसों से इंतज़ार करते थे, सालों साल इंतज़ार किया है सब ने, आज वो हमें चारों ओर हमारे दिखाई दे रहा है। चारों तरफ राम राम जय श्री राम जय श्री राम का नारा लग रहा है। इससे ज़्यादा अद्भुत बात और क्या हो सकती है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो धीरे धीरे जो रामराज्य में जो नियम थे, जो मॉरल्स थे हमारे, जो संस्कृति थी हमारी, वो हमारी धीरे धीरे अब वापस आ जाएगी, उसकी शुरुआत हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छा हर तरह से शुरुआत हुई है जो हमारी संस्कृति को हमें वापस हम दिलाएगी। राम मंदिर जो बन गया है वो तो मतलब एक ऐसी घटना है जो पहले कभी हुई नहीं थी और इतने अद्भुत तरीके से होगी, इसका भी सोच नहीं पाते थे हम, मतलब कल्पना नहीं कर पाते थे कि किस तरह से होगा। लेकिन जो हुआ है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए उसके लिए शब्द नहीं मिलते। इतना सुंदर, इतना दिव्य हुआ है चारों तरफ, इतना अद्भुत था वो पल जब प्राण प्रतिष्ठा हुई वहाँ पर। और हमारे जीवन की तो सबसे बड़ी घटना है ये, और ये बहुत हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जीवन में ये हो गया। हाँ, क्योंकि इतने सालों से जो नहीं हुआ था वो अब हो गया, तो इसके लिए जो सारा श्रेय है वो परमादरणीय मोदी जी को जाना चाहिए, क्योंकि वो जो सोच लेते हैं वो कर गुजरते हैं। और इतने अच्छे से किया है, इतने अच्छे से सब लोगों ने मिलकर किया है, बहुत अच्छा लग रहा है दोनों, बहुत बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हम सबके बीच में बह रही है चारों तरफ। वही रामायण सीरियल में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी ने कहा कि रामराज की कल्पना पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश का युवा हमारी संस्कृति से और प्रभु श्री राम से जुड़ रहा है। जब युवा जुड़ता है तो देश की तस्वीर बदलती है। आइए आपको सुनवाते हैं इसी के साथ उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा। रामराज की परिकल्पना जो है, मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी और योगी जी ने पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी ये होगा। और हमारा जो, जैसे अरुण जी ने कहा कि जो हमारे युवा है जुड़ रहे हैं, तो जहाँ युवा जुड़ते हैं तो आगे फ्यूचर आप देख लीजिए कि डेफिनेटली मुझे लगता है आगे 10 साल में ये रामराज्य आधा बन चुका होगा। बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे बहुत धार्मिक माहौल है और इस माहौल को देखते, और कल जैसे हम लोग दोनों ही गए थे हनुमान जी के, लेटे हनुमान जी के, तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है यहाँ पे फील। और जहाँ धर्म होता है वहाँ पे आपकी अंदर से एक शुद्धि हो जाती है और मुझे लगता है कि वो हमें एक शुद्धि की फीलिंग आ रही है उसको। आपको बता दें, रामायण सीरियल के कलाकार अरुण गोविल और सुनील लहरी शनिवार को ठाकुर हर नारायण सिंह पीजी कॉलेज द्वारा आयोजित श्री राम यज्ञ में शिरकत करने प्रयागराज पहुंचे थे। श्री राम यज्ञ के शुरू होने से पहले बरगद घाट मीरापुर में स्थित हनुमान जी मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई अरुण गोविल और सुनील लहरी ने की। इस यात्रा का समापन ठाकुर हर नारायण सिंह पीजी कॉलेज पहुंच कर हुआ। इसके बाद विधि विधान से श्री राम यज्ञ का शुभारंभ किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के निदेशक और ठाकुर हर नारायण सिंह डिग्री कॉलेज के संयोजक ठाकुर उदय प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये प्रभु श्री राम का महायज्ञ है। प्रभु श्री राम की परिकल्पना को धरातल पर लाने के लिए, भारत में लाने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इस यात्रा में अयोध्या से छोटे महाराज जी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज अयोध्या से, वो भी हमारे कॉलेज पहुंच चुके हैं। ये कॉलेज यात्रा ठाकुर हर नारायण सिंह पीजी कॉलेज पहुंच रही है। इसमें भगवान राम और लक्ष्मण, हाँ, भगवान राम का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविल जी और लक्ष्मण जी भी यात्रा की शोभा को बढ़ा रहे हैं।
फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।